दोस्तों, बाल हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। चाहे महिला हो या पुरुष, हर कोई अपने बालों को सुंदर, स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वहीं बालों से जुड़ी कुछ परेशानियां ऐसी भी हैं जो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, और डैंड्रफ यानी रूसी सबसे आम समस्या है। डैंड्रफ को बालों का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, क्योंकि यह बालों को कमजोर करके झड़ने का कारण बनता है, और साथ ही इससे खुजली जैसी समस्या भी होती है। रूसी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तेल का प्रयोग न करना, अत्यधिक शैम्पू का प्रयोग, गलत तरीके से कंघी करना, पोषण की कमी, तनाव, त्वचा संबंधी बीमारी आदि। दोस्तों, बाजार में आपको डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने वाले कई आधुनिक तेल या शैम्पू मिल जाएंगे, लेकिन इनके नकारात्मक प्रभाव आपके बालों की समस्या को और बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डैंड्रफ दूर करने के 5 सबसे कारगर और कम खर्चीले घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जिससे जल्द ही आप इस समस्या से निजात पा सकेंगे। सबसे पहला नुस्खा है नीम। नीम की 15-20 पत्तियों को 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लें और अब उन पत्तियों का पेस्ट बना लें। पेस्ट ठंडा होने पर स्कैल्प यानी सिर की त्वचा पर लगाएं और 30 मिनट बाद शैम्पू और कंडीशनर से बाल धो लें। दोस्तों, नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जिसकी मदद से आप रूसी की समस्या से निजात पा सकते हैं। स्कैल्प के संक्रमण और डैंड्रफ से छुटकारा पाने का यह एक सटीक घरेलू उपाय है। नीम का पेस्ट लगाने के बाद सिर में खुजली हो सकती है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा है नींबू। 1 चम्मच नींबू के रस को 5 चम्मच नारियल के तेल के साथ मिला लें। इस मिश्रण को नहाने से पहले अच्छी तरह स्कैल्प पर लगाएं और फिर आधे घंटे बाद बालों को धो लें। स्कैल्प के पीएच स्तर में असंतुलन की वजह से भी डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। नींबू के रस में मौजूद एसिड स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है और रूसी की समस्या से निजात दिलाता है। तीसरा है मेथी दाना। जी हाँ दोस्तों, 1 चम्मच मेथी दाना यानी मेथी के बीज को हल्का पीस कर 2 कप गर्म पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें और फिर सुबह पानी को छान लें और नहाने से 15 मिनट पहले इस मेथी दाना के पानी को बालों पर लगाएं। रूसी हटाने में मेथी दाना बहुत ही कारगर है, क्योंकि इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम व पोटेशियम पाए जाते हैं, जो सिर से डैंड्रफ को हटाकर बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। चौथा है दही। दही का उपयोग स्कैल्प के बैक्टीरिया को मार गिराने का सबसे असरदार तरीका है। दही प्रोबायोटिक्स गुण से समृद्ध होता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। दही स्कैल्प के जीवाणुओं को साफ कर बालों को स्वस्थ बनाता है। डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप पहले बालों को शैम्पू से धो लें और फिर 1 कप ताजे दही को स्कैल्प पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू से बालों को धो लें। और पांचवा है सेब का सिरका। दोस्तों, 1 बाउल में 3 से 4 चम्मच सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर को 3 से 4 चम्मच पानी में मिला लें। फिर बालों को शैम्पू से धोने के बाद सिरके वाला पानी बालों और स्कैल्प पर लगाएं। करीब 15 मिनट बाद साफ पानी से बालों को धो लें। डैंड्रफ हटाने के लिए सेब का सिरका बहुत ही सटीक घरेलू उपाय है, क्योंकि इसमें मौजूद एसिड स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे रूसी की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अभी हमने डैंड्रफ से छुटकारा पाने के असरदार और आसान घरेलू नुस्खों के बारे में जाना है, लेकिन इसी के साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपनी कंघी यानी हेयर ब्रश किसी के साथ शेयर न करें, हफ्ते में 2 बार तेल की मालिश जरूर करें, क्योंकि स्कैल्प और बालों के सूखेपन की वजह से भी डैंड्रफ का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, onlythefitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका इस विषय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।